हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? ऐसा करते हैं आप सब ठीक होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल वंदना पाल ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, करते हैं हम अपने न्यू ब्लॉग की शुरुआत। तो ये देखेगा अनहद कितनी शरारत कर रहा हूँ, तो कह रहा चाची मुझे आपके पास आना। और ये देखो कितनी शरारत कर रहा। चाय बना ली क्या आपने? चाय बना ली क्या? और चाय बना ली क्या? हाँ, मैं चाय पीने जा रही थी। पियूं? पी गऊ। चल पीऊ, चल ले की चाय पी। पीऊ? चल आना घर चाय पीन। चल ले, मैं इधर हूँ। खांसी? खांसी ले जाऊ तुझे? क्यों? मेरी बात तो सुनते नहीं आप। मेरी बात सुनोगे? हेलो कर दो कलर में। तो चलो, कभी आप अंदर आ जा तो इसीलिए दोनों को लेकर चलती हूँ। नीचे आ रही भरी तो जा चुके हैं, और चीकू भी और वंदना और अलग रहेगा। तो चलिएगा, हम भी चलते हैं। मुट्ठी मुट्ठी का चली का चले नदी में नदी यार नदी नदी पैसे डाल दे इसमें, बहुत बढ़िया हो जाएगी। चीकू कर रहा है यहाँ पढ़ाई, काम कर रहा भाई। हम बिठाया ऐसा, और ये कर रही है यहाँ प्रेस। दो दिन के कपड़े उड़ते हैं और प्रेस में लग खिल। दीदी काम निपटा लिया, झाड़ू पोछे सुखाए, अब प्रेस कर नंबर आया। हदों की तह लग गई। और ये पड़े देखो कितने सारे बैड पेन की होनी प्रेस, इसे पहन ले गले में ही। ये निकाल लिया मैंने दूध। और अनग पीना भाई, गरम करके ठीक है। अनग तो मैं भी डालूंगा। तू बिठा लेगा? अरे वाह, बुड्ढी है भाई। और इधर देखो अनग चप्पल उठा रहा मेरा मारने को, अरे वो फोड़ रहा चूल्हा, इन चूल्हा फोड़ गया रहा इतना ही। क्या करना? खावेगा? खावेगा क्यों? फोड़ा तो है, क्यों फोड़ा जब खाना नहीं? खावे ये खावा, खावेगा तो पिटाई होगी इसकी। तो ये देखिएगा फ्रेंड्स, तेल हमारा गर्म हो चुका है। और ये मैंने भिगो ली थी सोयाबीन, और इनको निचोड़ लिया है। और अब मैं करूँगी इनको फ्राई। तो ये देखिएगा फ्रेंड्स, आज खाने में बनना है आलू सोयाबीन। और सोयाबीन मैंने फ्राई करके रख लिया अंदर रसोई में। और ये टमाटर, प्याज, जीरा, और ये आ गया चीकू। क्या क्या लेने आया, क्या बना रहे हम? आलू की सब्जी। अच्छा, और तेल हमारा गर्म हो गया, हम इसमें डाल लेते हैं जीरा और प्याज।
तो आज मैं बना रही हूँ सब्जी पतीली में और कढ़ाई में भी नहीं बना रही ना कुकर में। तो ये देखिए हमारा टमाटर का पेस्ट अच्छे से हो चुका है और अब मैं इसमें डाल दूंगी आलू जो मैंने धो कर रखी है थोड़ी देर में। और ये रह गया एक आलू सबूता और इसको मैं बाद में काट के गिर दूंगी। और चलेगा फ्रेंड इसमें डाल देती हूँ एक कटोरी पानी और इसमें खादा आ जाएगा। उसके बाद में मैं डाल लूंगी इसमें सोयाबीन। हमारी सब्जी में अच्छे से खादा आ चुका है और इधर ये है हमारी सोयाबीन जो मैंने फ्राई कर निकाल लिया था हल्का सा नमक डालकर। कुछ बच्चे ने खा लिया है ना ने और चीकू ने और चू ने और मैंने भी खा ली उनके साथ में। तो अब मैं हमारे आलू भी गल चुके हैं और अब मैं इसमें डाल देती हूँ सोयाबीन। आँच लग रही है तो इसीलिए मैं इनको धीरे धीरे डाल लूँगी। और इधर मैंने गूंद लिया है आटा भी। तो ये देखिएगा हमारा आटा भी लगकर हो चुका है तैयार। तो ये देखिएगा फ्रेंड्स आलू हमारे अच्छे से गल चुके हैं और अब मैं इसमें डाल देती हूँ सोयाबीन और इसमें एक उबाल और लगा दूँगी मतलब कि खद्दा जिससे कि हमारी सोयाबीन और आलू अच्छे से मिक्स हो जाए और सब्जी खाने में भी टेस्टी लगे। तो इसलिए मैंने इसमें डाल दी है सोयाबीन और सोयाबीन डालने के बाद में मैं इसको कर देती हूँ अच्छे से मिक्स। तो इधर हमारी आलू सोयाबीन की सब्जी बनकर हो चुकी है तैयार। थोड़ी सी और आँच लगा लूँगी मैं और हमारी सब्जी बनकर हो जाएगी तैयार। और फिर मैं बनाऊँगी रोटियाँ सब्जी के उतारते ही मैं रख दूँगी तैयार तवा क्योंकि बंदर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। पहले तो मैंने सोयाबीन तक की गैस पर फ्राए और उसके बाद में मैंने जलाया चूल्हा। मैं सोच रही थी खाना तो चूल्हे पर बना लूँगी अंदर गर्मी लगती है ना गैस पर ना चूल्हे में तो आराम से बन जाता है। तो इसीलिए बंदरों ने मुझे बहुत परेशान कर रखा था और बंदर के डैडी जा चुके हैं खेत में तो इसीलिए मुझे तो बंदरों से डर लगता है। तो इसीलिए मैंने गैस पर ही सोयाबीन फ्राई कर ली थी और उसके बाद में जब बंदर आने बंद हो गए तो उसके बाद में मैंने जलाया चूल्हा फिर चूल्हे पर छोड़ती सब्जी और अब मैं रोटियाँ सेक लेती हूँ कभी फिर से बंदर आ जाए इसीलिए बंदरों का बहुत ज़्यादा डर रहता है। तो चलिएगा फ्रेंड्स बने रहिएगा हमारे ब्लॉग में एंड तक।